शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाठोड़ा परिसर स्थित सिम्बायोसिस कॉलेज के पास डंपिंग यार्ड में आग लगी है। शहर में तेज धूप के चलते ऐसी आग लगने की संभावना होती है। फिलहाल उपराजधानी में रेड अलर्ट शुरू है। तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है, 40 से 45 तक तापमान बढ़ गया है। ऐसे में खुली जगह कचरा जमा होने से, सीधे धूप के संपर्क में आने से ऐसी आग लगने की संभावना ज्यादा होती है। देखिए, आप देख सकते हैं कि 22 तारीख को जिस तरीके से आग लगी थी, आज उसी तरीके से जो कचरा डंपिंग यार्ड में जहाँ पे कचरा जमा किया जाता है, जहाँ पे मट्टी और कचरा अलग किया जाता है, वहाँ पे आग लगी है। देख सकते हैं यहाँ पे 5-6-7 यहाँ पे बड़े बड़े कचरों के ढीक लगे हुए हैं। वो ढीक में आग लग चुकी है और उसी के बगल में आप देख सकते हैं सिम्बायोसिस कॉलेज है, जहाँ पे कोरोना के पेशेंट यहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ पे कम से कम 500-600 पेशेंट के ऊपर रखे हुए हैं यहाँ पे, और उसी के 100 मीटर के अंतर पे यहाँ पे आग लगी है। ये आग का जहरीला धुआं यहाँ पे पेशेंट के तरफ, यहाँ पे सिम्बायोसिस कॉलेज में धुआं जा रहा है, जहाँ पे पेशेंट को रिकवर करने के लिए या सुधारने के लिए यहाँ पे रखा गया है। वही जहरीला धुआं अगर वहाँ जाता है तो उनके श्वास नली में जाने के बाद उनकी प्रकृति सुधारने के बजाय और बिगड़ सकती है। और देख सकते हैं कि अभी कुछ ही समय के लिए 1 घंटे आग लग चुकी है। 1 घंटे के बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, वो भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस तरफ है। उस तरफ रहने के बाद वहाँ पे हवा उधर जाने के लिए वो फायर ब्रिगेड कुछ भी काम कर नहीं पाती है। आप देख सकते हैं कि आप जेसीबी से उन्होंने कचरे के लिए अलग करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी नाकाम है। और ये जहरीला धुआं यहाँ के पास की करोड़ी, बिड़गांव, यहाँ के आजूबाजू परिसर में यहाँ फैलते जा रहा है और लोगों के साथ प्रशासन खिलवाड़ के ऊपर खिलवाड़ कर रहा है।